मंडी व्यापारी संघ खरगोन ने केंद्र सरकार द्वारा ताजा बजट में जीएसटी कानूनों में किए गए बदलावों का विरोध किया है। मंडी व्यापारी संघ ने प्रधानमंत्री के नाम सौंपे गए पत्र में कहा है कि जीएसटी संशोधन से व्यापार जगत में भय और रोष का माहौल है। खरगोन मंडी व्यापारी संघ ने शुक्रवार को खरगोन में एक बैठक आयोजित कर जीएसटी में किए गए संशोधनों पर गहरी चिंता और नाराजगी व्यक्त की है। खरगोन मंडी परिसर में आयोजित बैठक में उपस्थित व्यापारियों की बैठक के बाद मंडी व्यापारी संघ के अध्यक्ष मंजीत सिंह चावला ने कहा कि बेवजह के संशोधनों से व्यापारी की परेशानी ही बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि संशोधनों में ट्रांसपोर्टेशन अपील में राशि की बढ़ोतरी जैसी अनेक परेशानियां पैदा हो गई हैं। आज मंडी व्यापारी संघ जीएसटी में जो केंद्र सरकार द्वारा बजट में अभी 2021-22 से नए कानून लागू हो रहे हैं, उस कारण से हम लोग जो है ज्ञापन देने जा रहे हैं। इस जो कानून आने वाला है वो कानून अगर लागू हो जाए तो व्यापारी एक तरफ से व्यापार नहीं कर पाएगा और अधिकारियों का बंधक बन के रह जाएगा। उस कानून में बहुत सी ऐसी नई नई नियम जोड़े गए हैं जिसमें कि व्यापारी को व्यापार करने में भयंकर परेशानी आने वाली है और उसके विरोध में हमारे द्वारा ये ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारे द्वारा एक तो ये मांग है कि जो छोटे व्यापारी हैं जिनको कि आपने त्रैमासिक सरकार ने त्रैमासिक रिटर्न की व्यवस्था की गई है उनके लिए GSTR 2A और GSTR 3B भरने की आवश्यकता उन्होंने दी है, जबकि जब त्रैमासिक रिटर्न कर रहे हैं तो उसमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा गलत इनपुट क्रेडिट अगर कोई व्यापारी द्वारा ली जाती है तो उसके लिए व्यापारी मैनेजर और चार्टर्ड अकाउंटेंट पर भी कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित किया गया है, जबकि मानवीय गलती से कभी भी कोई भी इनपुट क्रेडिट गलत लिया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्यापारी को आप सूली पर चढ़ाया जाए। इसके अलावा और भी जो है ईवे बिल में 100 किलोमीटर के स्थान पर सरकार ने 200 किलोमीटर कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल न्यायोचित नहीं है, क्योंकि अगर कोई ट्रक खराब हो जाती है और वो ट्रक दो दिन बाद पहुंचती है 24 घंटे के बजाय जो है अपना 36 घंटे में पहुंचती है तो उस पर भी पेनल्टी का क्लास किया गया है। ट्रकें हैं कई बार खराब हो जाती है, टायर पड़ जाते हैं या इंजन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस 200 किलोमीटर की रेंज को आपने जो सरकार ने 24 घंटे किया गया है वो गलत किया गया है, जिससे आने वाले समय में भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और पेनल्टियाँ भी लग सकती है। साथ में अगर अपील में हम लोग जाते हैं तो पहले पेनल्टी का 10% भरना पड़ता था, अब सरकार द्वारा 25% कर दिया गया है, ये बहुत ज़्यादा जो है असंगत है। इसके अलावा हमारे कपास के व्यापारियों पर एक RCM चार्ज लगता है जो कि कपास की खरीदी पर लिया जाता है, जिसपे कि हम लोगों की कपास व्यापारी पूंजी बहुत ब्लॉक हो जाती है, बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़े रूप में ब्लॉक हो जाती है, जिस कारण से व्यापार करने में हमको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और किसानों को जबकि गवर्नमेंट के द्वारा किया गया अपना नियम दिया गया है कि नगद भुगतान दिया जाए, तो जब नगद भुगतान की व्यवस्था भी हमें करना है, फंड का भी व्यवस्था करना है और दूसरी तरफ RCM के माध्यम से सरकार हमारे फंड को ब्लॉक कर रही है। और भी अन्य भी हमारे जो है इसमें पॉइंट लिखे गए हैं ज्ञापन में, इन सब पॉइंट को लेकर ही हमारे द्वारा ये आज ज्ञापन सरकार को दिया जा रहा है। मंडी व्यापारी संघ भवन में बैठक के बाद सभी व्यापारी बाइक रैली के रूप में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर कार्यालय को सौंपा। डिजाइनर न्यूज निमाड़ रिपोर्ट खरगोन।